हेलो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन फाइनाइट्स नॉन फाइनाइट्स हम एमसीक्यूज की फॉर्म में करेंगे क्लियरली स्टूडेंट्स को दिखाई दे इसलिए हमने सहारा लिया है पीडीएफ का और एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने क्लास टेन सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर मार्च टू में लिया था उस पेपर के सेट ए बी सी डी से हमने ये एग्जाम्पल्स लिए हैं स्टूडेंट्स वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको ब्लैंक्स के अंदर जो ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स दी गई हैं ब्लैंक के अंदर आप कौन सी वर्ब फिल करते हैं कौन सी आपकी चॉइस करेक्ट है ये आप नोट डाउन करेंगे साथ में रीज़न लॉजिक या कारण या जो कीवर्ड्स आपको बतलाए जाएंगे वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाले हैं उनको आप नोट डाउन करेंगे और वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी आपका बेनिफिट होगा कोशिश कीजिए दूसरे स्टूडेंट्स का भी बेनिफिट हो दूसरे स्टूडेंट्स के पास आप खुद ये जो वीडियो है उसका लिंक सेंड करें उनको शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स का भी बेनिफिट हो सके चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आपका एग्जांपल है शी वॉज फाइंड फॉर ब्लैंक कम वर्क की फॉर्म कम दी गई है लेट चॉइसिस दी गई है ए कमिंग बी टू कम सी कम डी नन करेक्ट आपका आंसर होगा ए कमिंग शी वॉज फाइंड फॉर कमिंग लेट अब कम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि कम कम के साथ आपने आई यहां पर लगाया है कमिंग ये बन गया सी ओ एम आई एन जी आया क्यों है देखिए ब्लैंक से पहले आपको दिया गया फोर फोर एक प्रपोजिशन है प्रपोजिशन अगर ब्लैंक से पहले मिलता है तो आप के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी यूज करें साथ में दूसरी प्रिपोजिशन हैं, उनको आप नोट डाउन कर लेंगे लिखिए एट इन To, into, on, up, upon, by, with, since, for, from, before, of, of, o w f, among, amongst, against. Dobraa, sunlije. At, in, to, into, on, up, upon, by, with, since, for, from, before, of. डबल एफ ओफ ओ एफ अमंगस्ट अगेंस्ट इनमें से एक भी प्रिपोरिशन आपको ब्लैंक से पहले मिलती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आप यूज कर देंगे कोई भी आपके माइंड में डाउट नहीं रहना चाहिए आपको हंड्रेड परसेंट कॉन्फिडेंट रहना है यही मकसद है ये वीडियो बनाने का सेकेंड आपका सेंटेंस है ही डिड नथिंग बट ब्लैंक लाफ वर्ब की फॉर्म लाफ दी गई है हंसना चॉइसेस दी गई हैं ए टू लाफ बी लाफ सी लाफिंग डी नन करेक्ट आपका आंसर होगा बी लाफ इट डिड नथिंग बट लाफ अब देखिए आपका ब्लैंक से पहले आपको दिया गया है बट बट एक कीवर्ड के रूप में आप लर्न करेंगे और साथ में और भी कीवर्ड्स हैं उनको भी आप लर्न करेंगे उनको भी आप याद रखेंगे यहां ब्लैंक से पहले जब आपको बट मिला है तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया है और कौन कौन से की आप लर्न करेंगे जो अगर आपको ब्लैंक से पहले मिलते हैं तो आप ब्लैंक के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे देखिए लर्न कीजिए आप हेड बैटर हैड रादर हैड सुनर वुड बैटर वुड रादर वुड सुनर बट एक्सेप्ट देन तो ये जो की वर्ड्स हैं हेड बैटर हैड रादर हैड सुनर वुड बैटर वुड राधर वुड सुनर बट एक्सेप्ट देन ये जो आपको अगर की वर्ड इनमें से एक भी मिलता है तो ब्लैंक के अंदर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे थर्ड आपका एग्जाम्पल हम लेते हैं ही वॉज टू ड्रंक ब्लैंक ड्राइव होम तो यहाँ चॉइसिस दी गई हैं ए ड्राइव बी ड्राइविंग सी टू ड्राइव डी ड्रो तो आपका करेक्ट आंसर होगा टू ड्राइव टू टू का कॉम्बिनेशन है ही वॉज टू ड्रंक टू ड्राइव होम यानी कि वो उसने इतना ज़्यादा शराब पी रखी थी इतना ज़्यादा ड्रिंक कर रखा था कि वो ड्राइव नहीं कर सकता था होम तक घर तक ड्राइव नहीं कर सकता था टी डब्लू टू और टू का कॉम्बिनेशन यहां पर बनता है ही टू टू ड्रंक ड्राइव होम नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है कुड यू ब्लैंक हेल्प मी प्लीज कुड मॉडल ऑक्जलरी यहां पर दिया गया है इंटरोगेटिव सेंटेंस है मॉडल ऑक्जलरी के साथ में मॉडल ऑग्जलीज के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं और यहां पर सेंटेंस के अंदर ब्लैंक के बाद में वर्ब की फॉर्म दी गई है हेल्प तो इसको आप ऐसे कैसे ब्लैंक के अंदर फिल कर देंगे क्योंकि यहां पर कुड मॉडल ऑक्जरीज की अगर बात की जाए तो यहां पर कुड आया है इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं चॉइसिस दी गई हैं ए टू हेल्प बी हेल्प सी हेल्पिंग और डी हेल्प्ड तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी हेल्प ये आपका सेंटेंस हो गया ब्लैंक के अंदर आपने फिल हेल्प कर दिया है और नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका नंबर फाइव ही वॉज हैप्पी ब्लैंक सी मी तो यहां पर चॉइसिस दी गई हैं ए सी बी टू सी सी सो डी नथिंग तो आपका करेक्ट आंसर होगा ही वॉज हैप्पी टू सी मी अब आप लर्न कीजिए देखिए वर्ड्स हैंप्पी सैड इजी डिफिकल्ट नाइस सरप्राइज डिलाइट या कोई एजेक्टिव एने एजेक्टिव आपको ब्लैंक से पहले मिलता है तो आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देंगे याद रखिए हैप्पी सैड इजी डिफिकल्ट नाइस सरप्राइज अमेजड डिलाइट या एनेजेक्टिव इनमें से एक भी की वर्ड आपको मिलता है तो आप ब्लैंक के अंदर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देंगे यहां आपने किया है टू सी ही वॉज हैप्पी टू सी Me. Then it is no use blank cry over spilt milk. देखिए यहां blank से पहले आया है no use. तो हम choices दी गई हैं ए crying, बी टू cry, सी cried, डी cry. Correct का answer होगा crying. Cry के साथ में आपने ing एन जी यूज किया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपने आई एनजी यूज किया है लॉजिक क्या है कारण क्या है क्या किस तरीके से आप पकड़ेंगे देखिए बहुत सारे कीवर्ड्स हैं इनमें से एक भी कीवर्ड आपको ब्लैंक से पहले मिलता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आप यूज कर देंगे देखिए नोट डाउन आप करेंगे स्टॉप स्टार्ट गो लव लाइक डिसलाइक नो लाइक नो गुड नो यूज कैन नॉट स्टैंड एज सच आपको मिलेगा अगर ऐसे कैसे मिले कैन नॉट स्टैंड कुड नॉट स्टैंड कैन नॉट हेल्प कुडंट हेल्प अवॉइड डिटेस्ट कीप प्रैक्टिस सजेस्ट फिनिश एप्रिशिएट माइंड एंजॉय वर्थ ब्लैंक से पहले इनमें से कोई भी की आपको मिल जाता है तो आप ब्लैंक के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करेंगे दोबारा सुन लीजिए स्टॉप स्टार्ट गो लव लाइक डिसलाइक नो लाइक नो गुड नो यूज कैन नॉट स्टैंड कूडेंट स्टैंड कैन नॉट हेल्प कूडेंट हेल्प अवॉइड डिटेस्ट कीप प्रैक्टिस सजेस्ट फिनिश एप्रिशिएट माइंड एंजॉय वर्थ तो ब्लैंक के अंदर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई का यूज करेंगे अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं ब्लैंक इंग्लिश क्विकली इज नॉट एन इजी थिंग तो यहां वर्ब की फॉर्म आपको दी गई है लर्न और यहां च्वाइसिस दी गई है ए लर्न बी टू लर्न सी लर्निंग डी नन करेक्ट आपका आंसर होगा सी लर्निंग देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको अगर ब्लैंक मिल जाता है तो आप यहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी यूज करके आप ब्लैंक के अंदर फिल कर देंगे लर्न आपकी वर्ब की फॉर्म दी गई थी लर्न के साथ में आए आपने आईएनजी लगाया है लर्निंग इंग्लिश क्विकली इज नॉट एन इजी थिंग ये आप यहां पर यूज कर देंगे लर्निंग नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है लेट हिम ब्लैंक गो नाउ अब लेट वाले जो सेंटेंसेज हैं उनके अंदर आप ध्यान रखेंगे देखिए लेट हिम हिम ये ऑब्जेक्ट आ गया लेट वाले सेंटेंसेज के अंदर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है यहां ब्रैकेट के अंदर वर्ब की फॉर्म गो दी गई है तो आप क्या करेंगे चॉइसिस दी गई हैं ए टू गो बी गो सी वेंट डी गोइंग लेट वाला सेंटेंस है ब्लैंक के अंदर आप केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे लेट हिम गो नाउ नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल दिया गया है गोल्ड मेडल तो यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है ब्लैंक से पहले क्या दिया गया है वोज देखिए इज एम और वॉज वर इज एम आर वॉज वर इनमें से आपको कोई भी आप कहें हेल्पिंग वर्ब

तो यहां इनमें से एक भी कीवर्ड आपको मिलता है तो आप ब्रैकेट के अंदर से वर्ब की फॉर्म को ऐसे कैसे आप उठा लेंगे ब्लैंक के अंदर आप ऐसे कैसे आप फिल कर देंगे यानी कि वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है चॉइसिस यहां पर दी गई हैं ए टू स्टे बी स्टे सी स्टेड डी नन तो आपका करेक्ट आंसर हो गया बी स्टे यू हैड बेटर स्टे हेयर नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है दिस क्लॉथ इज इजी ब्लैंक वॉश च्वाइसिज आपको दी गई हैं ए टू वॉश बी वॉश सी वॉशिंग डी नन तो करेक्ट आपका आंसर होगा टू वॉश अब यहां पर आपको ध्यान रखना है हैप्पी सैड इजी डिफिकल्ट नाइस सरप्राइज अमेजड डिलाइट या एने एजेक्टिव कोई आपको मिल जाता है ब्लैंक से पहले तो आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर देंगे क्लॉथ इज ईजी टू वॉश इजी आ गया आपको देखिए हैप्पी सैड इजी डिफिकल्ट नाइस सरप्राइज अमेजड डिलाइट या कोई एजेक्टिव एनी एजेक्टिव आपको ब्लैंक से पहले मिलता है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यूज कर देंगे लास्ट तो एग्जाम्पल है A, make, B, making, C, make, D, none, cracked, आपका शी इज फॉन्ड ऑफ ब्लैंक मेक स्टोरीज तो च्वाइसिस दी गई है ए मेक बी मेकिंग सी टू मेक डी नन करेक्ट आपका आंसर होगा बी मेकिंग मेक आपको वर्ब की फॉर्म दी गई थी इसके साथ में आपने आईएनजी लगा दिया मेकिंग बन जाता है She is fond of making stories. ये क्यों हुआ है क्योंकि तो जो ऑफ है वो प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशन ब्लैंक से पहले आपको मिलता है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं कौन कौन से प्रिपोजिशन हैं देख लीजिए सुन लीजिए पहले भी इसी वीडियो में आपको बताया है एट इन टू इन टू ऑन अपॉन बाई विद सिंस फॉर फ्रॉम बिफोर ऑफ of among amongst against तो इनमें से एक भी प्रीपोजिशन आपको मिलता है ब्लैंक से पहले तो ब्लैंक के अंदर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज कर देंगे स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि ये एग्जांपल्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे लॉジक्स को और जो कीवर्ड्स हैं उनको आप लर्न लेंग कर लेंगे अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ईजी लगेगा उतना ज़्यादा आपको मजा आएगा उतना ज़्यादा आप कंफर्टेबल फील करेंगे और साथ में आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस ये वीडियो देखने के बाद में मिल जाएगा दूसरे स्टूडेंट्स का जरूर ध्यान रखें उनके पास अगर आपको लगता है आपका बेनिफिट हुआ है आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है तो दूसरे स्टूडेंट्स का फायदा जरूर हो उनके पास भी ये वीडियो आप जरूर शेयर करें और कल फिर से आपके जो और प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड पेपर्स से हम नॉन फाइनेंस के और एग्जाम्पल्स लेकर एक और वीडियो अपलोड करने वाले हैं बने रहे हैं आपके अपने चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर थैंक्स हैव अ नाइस डे